हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। स्वागत है भाई आपका आज किस नए वीडियो में। आज की वीडियो में भाई हम लोग बात करने वाले हैं द ऑल न्यू स्कोडा कायलक के बारे में कि भाई गाड़ी कब आ रही है और भाई गाड़ी की प्राइसिंग क्या होने वाली है और इसमें भाई आपको क्या फीचर मिलने वाला है, क्या इंजन ऑप्शन मिलने वाला है, सबके बारे में भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भाई लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि भाई आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि भाई हमारा काम है वीडियो बनाना और इन्फॉर्मेशन देना, और आपका काम है भाई इन्फॉर्मेशन लेना और अच्छी गाड़ी खरीदना कि भाई वैल्यू फॉर मनी गाड़ी आपको कैसे मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो भाई स्कोडा ने सबसे पहले इसका नामांकन किया था कि भाई भारत की जनता को ये मौका दिया था कि भाई हम लोग आपको एक मौका दे रहे हैं कि भाई मेरी जो आने वाली जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है ना, स्कोडा की कायलक, तो भारत की जनता ने भी भाई बोला कि ठीक है हम लोग इसका नामांकन करते हैं। भाई 10 नाम दिए गए भारत की जनता के द्वारा, तो स्कोडा ने भाई उसमें एक शॉर्ट लिस्ट किया कि भाई हम अपने आने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी का नाम कायलक। ये गाड़ी भाई सब 4 मीटर के अंदर आने वाली है, मतलब कि भाई किया सोनेट की रेंज में ले लो, एक्सयूवी की 3XO, नेक्सॉन ले लो, सुजुकी की ब्रीजा ले लो, ये सब के आसपास में ये गाड़ी आएगी और इन्हीं सबसे भाई इसका कंपटीशन होने वाला है। तो स्कोडा की कायलक में भाई आपको क्या इंजन मिलता है, क्या प्राइस होगी, क्या लॉन्चिंग डेट होगी, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले भाई अगर इसके एक्सटीरियर की बात की जाए ना, तो जैसा कि भाई देख सकते हो आप लोग, बहुत ज्यादा भाई गाड़ी अपने स्पाइस शॉट कर जा चुकी है, क्योंकि भाई भारत अब इतना आगे बढ़ चुका है ना कि भाई गाड़ी लॉन्च होने से पहले गाड़ी लॉन्च के गाड़ी भाई रोड पे अगर वो टेस्ट भी करेंगे ना, तो भाई भारत की जनता उसे खोज लेगी कि ये कौन सी गाड़ी है। तो भाई अब कुछ दिन बाद ऐसा होगा ना कि मतलब कंपनीज अपना भाई एक प्रॉपर एक फील्ड रखेगी और ट्रक से भाई गाड़ी को वहां उतारेगी और वहां टेस्ट करेगी, लेकिन भाई जो इंडिया की जो रोड कंडीशन है, जो वेदर कंडीशन है, उसमें तो वो नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि थार 5 डोर को भाई आपने देखना होगा कि 2 साल से भाई गाड़ी टेस्ट हुई थी, कभी लद्दाख लेके चले जा रहे थे, कभी साउथ में लेके चले जा रहे थे, तो भाई वो चीज तो नहीं कर पाएंगे ना। मतलब आइडियल जो रोड कंडीशन, वेदर कंडीशन, उस हिसाब से भाई गाड़ी को टेस्ट करना पड़ता है कि इंडियन मार्केट में वो सक्सेस कर पाएगी कि नहीं। तो सबसे पहले भाई अगर स्कोडा की जो स्पाइस शॉट की बात की ना, तो आगे की साइड पूरा भाई देख सकते हो, मतलब गाड़ी देखने में भाई काफी सही लग रही है। मतलब अभी तो गाड़ी कवर है ना, फिर भी भाई मैं बता सकता हूँ, क्योंकि स्कोडा का जो डिजाइन है ना वो भाई बहुत सही रहता है। स्कोडा की आप पुशाक उठा लो, स्कोडा की भाई कोई भी गाड़ी उठा लो, उन लोगों का भाई डिजाइनिंग जो रहती है ना और जैपनीज जो इंजन होता है वो भाई बहुत सही लगता है मेरे को, क्योंकि उसकी पावर वगैरह, उसकी एवरेज, और एवरेज में तो थोड़ी सी मार खाती है वो चलेगा, उसकी पावर बहुत सही आती है भाई, और गाड़ी की जो मतलब इंजन में जो मतलब वो होता है ना, मतलब जो दम होता है ना भाई गजब होता है। और सेफ्टी के मामले में भाई स्कोडा और फोक्सवैगन दोनों कंपनी भाई सेफ्टी के मामले में भाई काफी ज्यादा ध्यान देती है, मतलब कि वो दोनों गाड़ी बनाती है ये सोच के भाई कि इंडिया में भाई गाड़ी के ट्रक से भी टक्कर हो जाए तो गाड़ी को कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए भाई स्कोडा की जो आने वाली है ना अपने कॉम्पैक्ट एसयूवी कायलक, उसमें भाई सेफ्टी आपको अच्छी खासी मिलेगी, ये मैं बता सकता हूँ। अब बात आती है भाई गाड़ी का एक्सटीरियर, तो जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया भाई, देख सकते हो कुछ ऐसी भाई आपको एक्सटीरियर से गाड़ी देखने में लग रही है, भाई वही सेगमेंट की है, नेक्सॉन वाली सेगमेंट ही समझ लो। अब आप सोच रहे हो भाई सब 4 मीटर के अंदर क्यों बना रहे हो, तो भाई सेम रीजन वही होता है कि टैक्स, भाई टैक्स ज्यादा लग जाता है, गाड़ी महंगी हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भाई ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है अगर 4 मीटर से गाड़ी बाहर जाती है तो। इसलिए आपने देखा होगा भाई जो बड़ी एसयूवीज वगैरह होती है ना, उसकी टैक्स भी ज्यादा होती है, उसका इंश्योरेंस वगैरह एवरीथिंग ज्यादा होता है, क्योंकि भाई वो सब 4 मीटर से आगे निकल जाती है। तो ये तो हो गई भाई गाड़ी की लेंथ वगैरह, डायमेंशन वगैरह भाई कुछ ऐसे आपको मिलने वाली। अब बात आती है भाई गाड़ी का जो दिल होता है ना वो होता है भाई उसका इंजन, कि भाई आपको इसमें इंजन क्या मिलने वाला है। तो जैसा कि भाई जो खबर आ रही है, जो भाई पता चल रहा है, इसमें भाई आपको टर्बो इंजन मिलने वाला है, 1.2 लीटर का भाई आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। अब आप बोलोगे भाई डीजल इंजन क्यों नहीं, तो डीजल इंजन भाई स्कोडा उतनी ज्यादा नहीं बनाती, और डीजल इंजन भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी में बनाना मेरे को कुछ मतलब वो भी नहीं लग रहा है कि उतनी ज्यादा जरूरत है। पेट्रोल इंजन पे ही भाई उन लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा रिफाइन होती है, ऊपर से भाई गाड़ी की एज तो आप जान ही रहे हो 15 साल तक भाई आप उसे यूज कर सकते हो। और दूसरी भाई ये सब जो गाड़ी लेते हैं ना, मतलब जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी लेते हैं, वो भाई वो प्राइवेट ऑनर्स लेते हैं, तो प्राइवेट ऑनर्स जो लेते हैं उनकी भाई रनिंग वगैरह उतनी ज्यादा नहीं रहती। जैसे कि अगर मैं आप या कोई भी जो नॉर्मल व्यक्ति वो अगर कोई गाड़ी लेता है, तो भाई उसकी गाड़ी डेली थोड़ी भाई 100 किलोमीटर या कुछ ऐसा चलती है, उसकी गाड़ी भाई वीक्स में निकलती है, वीकेंड पे निकलती है, या कहीं आना जाना हो, फैमिली गैदरिंग हो, वो सब में भाई घूमना फिरना हो, वो सब में गाड़ी निकलती है। तो पेट्रोल इंजन भाई उसमें लेना काफी सही होता है, क्योंकि भाई गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है, और गाड़ी भाई आप बहुत दिनों तक स्टार्ट भी नहीं करते हो ना, तो गाड़ी में कोई भी आपको दिक्कत नहीं देखने को मिलती है। इसलिए भाई स्कोडा की कायलक है वो अपने पेट्रोल में आने वाली, 1.2 लीटर भाई आपको इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, मतलब भाई गाड़ी में जो पावर मिलने वाला है ना। अब भाई बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना कि फोक्सवैगन की भाई पोलो आ रही थी, उसका फेसलिफ्ट आने वाला था, वो तो आ ही नहीं रही। तो स्कोडा वालों ने बोला भाई अभी पोलो को रहने देते, अभी भाई जो इंडिया में जो ट्रेंड चल रहा है वो भाई एसयूवी और कॉम्पैक्ट एसयूवी का चल रहा है। तो एसयूवीज भाई ये उतना ज्यादा मतलब उनकी ज्यादा वो बिक नहीं पाती है, क्योंकि वो भाई टाटा और महिंद्रा उस सेगमेंट में भी कैप्चर किए हुए। हालांकि भाई हुंडई की अल्काज़ार भी आ रही है, वो भी इस सेगमेंट में अपना भाई मतलब फेसलिफ्ट उसके देखते क्या परफॉर्म करते हैं, क्योंकि भाई अल्काज़ार में भी काफी ज्यादा मतलब चेंजेस किया गया। मेनली भाई जो एक्सटीरियर लुक होता है ना किसी भी गाड़ी का, वो भाई डिसाइड करता है कि आपकी गाड़ी कितनी ज्यादा सेल होगी। आपने देखा होगा स्कॉर्पियो एन की जो एक्सटीरियर लुक है और स्कॉर्पियो क्लासिक, भाई दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन एन भाई इसलिए बिक रही है क्योंकि थोड़ी सी क्लासिक से वो प्रीमियम आती है, 7 सीटर और 4x4 उसमें आता है, एन के बिकने का भाई ये सबसे मेन कारण है। और एक नई गाड़ी है तो थोड़ा सा भाई ट्रेंड में चलती है, और महिंद्रा का नाम तो भाई पहले से ही है।
टाटा की सफारी ले लो भाई, कहाँ पुरानी वाली सफारी कहाँ नई वाली सफारी, पूरा भाई एकदम टाइम ही बदल के रख दिया टाटा ने। तो स्कोडा की जो काइलक आने वाली है ना भाई, सेम भाई इसमें भी वही होने वाला है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ही गाड़ी लॉन्च कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी का ट्रेंड चल रहा है भारत में। हर लोग को भाई एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए और कम पैसे में एक बड़ी दिखने वाली गाड़ी चाहिए जिसमें भाई रोड प्रेजेंस अच्छा हो। आपने देखा होगा भाई निसान की मैगनाइट जब गाड़ी जब लॉन्च हुई थी ना इंडिया में, तो बिग बोल्ड उसे करके, मतलब बिग एंड बोल्ड ऐसा कुछ करके उसे करके बेचा जा रहा था, मतलब कि बिग डैडी ऑफ एसयूवीज तो स्कॉर्पियन को बोला जा रहा था, लेकिन इसे भाई बिग बोल्ड ऐसा कुछ करके बेचा जा रहा था। तो गाड़ी भाई कहीं ना कहीं मतलब इंडियन बायर्स को ना थोड़ा सा दिमाग पे वो करती है, जिसके कारण भाई निसान आज के डेट में इंडिया में टिकी हुई है। लेकिन अगर वो गाड़ी निसान की मैगनाइट इसकी अगर नहीं सेल होती ना, तो गाड़ी का निसान का भाई पूरा वो हो चुका होता, इंडिया से भाई टाटा बाय बाय कर दिया गया होता, मतलब कब का भाई फोर्ड के साथ ये भी अपना बैग पैक करके निकल गई होती। लेकिन भाई निसान की मैगनाइट पे भाई पब्लिक ने भरोसा दिखाया जस्ट बिकॉज ऑफ भाई पेट्रोल इंजन, प्राइसिंग कम और एक बड़ी दिखने वाली गाड़ी। ये बस तीन फैक्टर है भाई जो डिसाइड करती है। जिम्नी भाई नहीं बिकी है थार के मुकाबले में, उसका भी भाई एक ही रीजन है मान के चलो, तो मतलब कि गाड़ी भाई वैसे मतलब रोड प्रेजेंस नहीं दिखती है, क्योंकि भाई जो कस्टमर अपनी मतलब टारगेट कर रहा है 4x4 व्हीकल को और बड़ी गाड़ी को, वो भाई जिम्नी की गाड़ी क्यों लेगा, मतलब जिम्नी जैसी भाई थोड़ी सी छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ी क्यों लेगा। इसलिए भाई जिम्नी सेल नहीं हो पाई है, जिम्नी का यही रीजन था सेल नहीं होने का भारत। हालांकि भाई उसमें अभी डिस्काउंट वगैरह चल रहा है 1 लाख 2 लाख कितना, लेकिन फिर भी भाई वही बात है ना कि मतलब कि बंदा जब 10 लाख 12 लाख रुपए लगाएगा ही, तो 2-3 लाख और एक्सटेंड करके भाई ऐसी गाड़ी क्यों नहीं लेगा जिसका रोड पे भाई भौकाल चलता हो, पूरा भौकाल एकदम मचा ही होता। तो स्कोडा की काइलक भाई कुछ ऐसा भाई, आपको इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, टर्बो इंजन मिलने वाला है, पावर वगैरह तो भाई काफी अच्छी है, और सेफ्टी के मामले में भाई स्कोडा और फॉक्सवैगन दोनों की गाड़ी काफी सही रहती है, उसमें भाई आपको कोई भी टेंशन लेना नहीं है। सर्विस की बात किया तो सर्विस कॉस्ट भाई गाड़ी की थोड़ी कम रखनी चाहिए, क्योंकि भाई स्कोडा की और जब मतलब प्रीमियम गाड़ी रहती है ना, तो थोड़ी सी सर्विस कॉस्ट भी बढ़ जाती है, जिसके कारण भाई गाड़ी थोड़ी सी वैल्यू फॉर मनी नहीं रह पाती। अगर इसके सर्विस कॉस्ट कम होगी तो गाड़ी भाई बहुत अच्छा सेल निकाल के देगी, क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी भाई अभी बहुत ज्यादा सेल हो रही है। एक्सयूवी की 3XO उठा लो ना, मतलब महिंद्रा की जो गाड़ी है, मतलब हर महीने भाई गाड़ी 10,000 यूनिट बोला जा रहा है कि भाई 10,000 यूनिट बिक रही है, 10,000 यूनिट बुक हो रही है, क्योंकि भाई गाड़ी में मतलब पुरानी वाली जो 300 आ रही थी और जो नई वाली 300 है ना, पूरा भाई बहुत इंटीरियर एक्सटीरियर पूरा ही बदल दिया है। और ये जो कनेक्टिंग एलईडी DRL जो चल रहा है ना, कनेक्टिंग एलईडी टेल लाइट जो चल रहा है, ये भाई दोनों फीचर बहुत ही आज के डेट में चल रहा है। और ये भाई फीचर लाने वाला था नेक्सॉन लाया है भाई, नेक्सॉन ने भाई इस फीचर को मतलब टाटा ने भाई इस फीचर को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अभी भाई हर गाड़ी में आपको ये देखने को मिला। कुछ दिन भाई बाद ऐसा हो जाएगा ना कि साइड में भी भाई आपको कनेक्टिंग एलईडी लाइट मिलेगी, मतलब इंडिकेटर दोगे तो साइड में पूरा डोर पैनल पे ही पूरा इंडिकेटर चलेगा, ऐसा भी आने वाला है कुछ दिन में। तो यहाँ पे भाई आपको वो दोनों फीचर तो सब आपको इसमें मिलने वाला है, बाकी भाई गाड़ी में सनरूफ भी मिलने वाली है। यहाँ पे देख सकते हो भाई शॉर्ट्स में आपको दिख रहा होगा स्पाइक कर दी जा चुकी है, मतलब भाई हर कुछ पता लग जाएगा इंटीरियर छोड़ के, अगर विंडो नीचे करके अगर कार्स वाले चलाए ना मतलब, तो वो भी पता चल जाएगा इंटीरियर क्या है, लेकिन भाई वही बच जाता है। तो यहाँ पे भाई स्पाई शॉट में आप देख सकते हो कि भाई कैसा पूरा सनरूफ वगैरह आपको इसमें पूरा फीचर देखने को मिला। 1.2 लीटर का पेट्रोल टर्बो इंजन आपको मिलने वाला है, ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों में मिलने वाला है। अब इसकी भाई प्राइसिंग वगैरह क्या होने वाली है, तो इसकी मेरे हिसाब से जो प्राइस मैं बता रहा हूँ, मतलब अपना जो एक्सपेक्टेशन है, अगर भाई जैसे कि इस जो सेगमेंट है ना, ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवी का सब 4 मीटर के अंदर का, इसमें कंपटीशन चलता है थोड़ा सा प्राइस में आ ही जाता है। तो प्राइस भाई आपने देखा होगा सबकी भाई 8 लाख से लेकर 10 लाख तक इसका बेस वेरिएंट होता है। तो अगर भाई स्कोडा की काइलैक 8 से 10 के बीच में इसका बेस वेरिएंट आ रहा है ना, तो गाड़ी भाई दवा के सेल होने वाली है। लेकिन अगर 10 से ऊपर जाता है तो भाई गाड़ी नहीं सेल होगी, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, गाड़ी भाई नहीं उतनी सेल हो पाएगी। और टॉप एंड वेरिएंट भाई इसका मैक्सिमम जाना चाहिए 14 लाख के आसपास तक, 13 से 14 लाख तक। तो भाई अगर इसका बेस वेरिएंट 8 से, क्योंकि भाई एक्सवी की जो 3X आ रही ना, भले ही भाई वेटिंग पीरियड उस पर आपको 1 साल की दी जा रही, गाड़ी अभी तक डिलीवरी नहीं की गई है वो बात अलग है, लेकिन भाई नाम तो है, मतलब मोहल्ले में भाई मोहल्ले में पूरा वो तो है, रुतबा तो है कि भाई 7,99,000 में भाई आपको गाड़ी मिल रही है कि 7,50,000 में, थोड़ा मैं कंफ्यूजन हूँ, उसमें भाई आपको गाड़ी इंट्रोड्यूस कराई गई है महिंद्रा की एक्सयूवी 3X, ये तो भाई सब जगह बात चल रही है। तो वही बात कहानी होती है कि मतलब गाड़ी का अगर इंट्रोडक्टरी प्राइस भाई जैसे कि महिंद्रा थार के साथ वो 12,99,000, तो भाई पूरे जगह हल्ला मच गया कि भाई 12,99,000 में थार मिल रही है। जिम्नी वाले तो भाई इसमें शॉक में चले गए कि अब क्या करूं मैं, अब कितना इस पर डिस्काउंट दूं, गाड़ी भाई फ्री में देना पड़ेगा। लेकिन फिर पता चला भाई RWD ही आ रही है, 4x4 का भी प्राइस ही नहीं आया, तो 4x4 का भाई 20 लाख से ऊपर ही आने वाला, ऑन रोड आते आते 24 लाख चली जाएगी। मतलब एक्सयूवी की 700 वाला प्राइस अब आपको थार में देखने को मिलेगा, क्योंकि इंटीरियर को प्रीमियम कर दिया गया तो पैसे तो बनाने पड़ेंगे ना। तो ऐसा ही कुछ भाई पूरा सीन वगैरह चलने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं फिर और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।